Hello class, in last video we have learnt present continuous tense. In this video we will learn present perfect tense. Okay, present perfect tense, ठीक है, present perfect tense. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है. पहचानने का नियम करेंगे ना. वाक्य के अंत में चुके हैं या ये रहे, ठीक है, तब हम लोग जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना. जैसे कि वह खेल चुका है या फिर वह खेला है ना. हम लोग पढ़ चुके हैं या हम लोग पढ़े हैं. तुम देख चुके हो या तुम देखे हो, ठीक है. इस तरह का सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव स्ट्रक्चर जानेंगे ना. पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव और हैज का प्रयोग करना है. हैव हैज और वर्ब में वर्ब थ्री का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है. यहां हैव और हैज दो में हम लोग हैव और हैज कहां लगाएंगे ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना. एग्जाम्पल में मैं पत्र लिख चुका हूं या फिर मैंने पत्र लिखा है, दोनों सेंटेंस एक ही है. मैं पत्र लिख चुका हूं या मैंने पत्र लिखा है. मैं सब्जेक्ट है, आई के साथ हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब, लिखना का वर्ब थ्री क्या होता है? रिटेन और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, अ लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर. मैं पत्र लिख चुका हूं या मैंने पत्र लिखा है. आई हैव रिटन अ लेटर. गीता कपड़े धो चुकी है. गीता कपड़े धो चुकी है. गीता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज. गीता हैज वॉश का भीतरी वॉश्ड. गीता हैज वॉश्ड क्लोथ्स. गीता कपड़े धो चुकी है या गीता ने कपड़े धोया है. गीता हैज वॉश्ड क्लोथ्स. यह हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस, है ना. अब हम लोग जानेंगे नेगेटिव में क्या यूज करना है. नॉट का प्रयोग करना. नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैव या हैज, उसके बाद नॉट का यूज करना है, उसके बाद भी थ्री, फिर ऑब्जेक्ट, है ना. नेगेटिव में सब्जेक्ट हैव हैज नॉट बी थ्री ऑब्जेक्ट. जैसे वह क्रिकेट नहीं खेला है या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है. वह का क्या होता है? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैज. ही हैज नहीं का यूज है, नॉट. ही हैज नॉट खेलना का प्ले का भीतरी होता है प्लेड. ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है. वह क्रिकेट नहीं खेला है. ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट. माँ ने खाना नहीं पकाया है. माँ ने खाना नहीं पकाया या माँ खाना नहीं पका चुकी है, ठीक है.
सब्जेक्ट क्या है माँ, माँ का क्या होता है मदर, मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, मदर हैज नॉट पकाना का कुक, कुक का भीतरी कुक्ड, मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, ठीक है। नेक्स्ट उन लोगों ने काम नहीं किया, उन लोगों ने काम नहीं किया है, they have not worked, ठीक है। आगे समझ में, अब हम लोग इंट्रोवर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वाई के साथ पहले क्या आ रहे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैव हैज, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट, हैव हैज सब्जेक्ट वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुमने पत्र लिखा है, क्या आ गया शुरू में, क्या तुमने पत्र लिखा या क्या तुमने क्या तुम पत्र लिख चुके हो, दोनों सेंटेंस सेम है। पहले हैव लगाएंगे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, हैव यू वर्ब थ्री राइट का रिटेन, हैव यू रिटेन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिखा है, क्या मैंने गाना गाया है, क्या मैं गाना गा चुक, क्या मैंने गाना नहीं गाया, क्या मैंने गाना नहीं गाया है या क्या मैं गाना नहीं गा चुका हूं, दोनों सेम सेंटेंस है। Have I, क्या मैंने गाना गाया, Have I sung a song, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैंने गाना गाया है, Have I sung a song, ठीक है। उसी तरह से क्या राम ने कुर्सी तोड़ी है, क्या राम ने कुर्सी तोड़ी है, क्या हो जाएगा, हैज राम ब्रोकन द चेयर, इस तरह से हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव के साथ ही अगर नेगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे ना, हैव हैज सब्जेक्ट नॉट ही थ्री ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है, क्या तुमने पत्र लिखा है, तो यहां कैसे देखो, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, नहीं, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, क्या हो जाएगा, हैव यू Not written a letter, ठीक है। उस तरह से क्या मैंने गाना गाया, क्या मैंने गाना नहीं गाया है, क्या हो जाएगा, Have I not sung a song, उस तरह से क्या राम ने कुर्सी नहीं तोड़ी है, Has Ram, क्या हो जाएगा, Not broken the chair, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज करें, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। सभी में रूल्स एक समान होते हैं ना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज चेंज हो जाता है ना, उसके बाद वर्ब का यूज चेंज हो जाता है।
क्वेश्चन वर्ड है ना, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, रहे तो, ठीक है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, रहे तो, क्या रहेगा तो व्हाट का यूज करेंगे, क्यों रहेगा तो व्हाई का यूज करेंगे, कब रहेगा तो व्हेन का यूज करेंगे, कैसे रहेगा तो हाउ का यूज करेंगे, और कहां रहेगा तो वेयर का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज का यूज करेंगे। फिर सब्जेक्ट वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल, तुम लोगों ने क्या किया है, बीच में क्या आ गया, सबसे पहले हम लोग व्हाट का यूज करेंगे, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब व्हाट हैव, तुम लोग का यू, व्हाट हैव यू, करना का डू होता है, डू का भीतरी डन, व्हाट हैव यू डन, ठीक है। उस तरह से राम ने क्यों नहीं खाया है, राम ने क्यों नहीं खाया, क्यों आ गया, क्यों का क्या होता है, why, why has Ram not खाना का eat होता है eaten, ठीक है। इस तरह से जितने भी सेंटेंस में बीच में अगर कब आ जाएगा तो when का यूज करेंगे, कैसे आएगा तो how का यूज करेंगे, और कहां रहेगा तो where का यूज करेंगे, है ना। तो यहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरह से हम लोग बनाते हैं, सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ओके।